हेलो बच्चों, मैं जीतू तनवर, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कई सारे बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर और बच्चों को इस एपिडेमिक बीमारी कोरोना वायरस की वजह से बाहर इंस्टीट्यूशन लगाने प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि सर आप कोई इंग्लिश वीडियो बना लिए, जैसे कि आप पहले पढ़ाते थे इंग्लिश में वैसे ही कोई वीडियो बना के डालिए। तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है और इससे मेरी नॉलेज ही बढ़ेगी आपको सिखाऊंगा तो। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक इंग्लिश वीडियो लाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक शेयर कमेंट करोगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता ही है कि आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, स्पोकन कर रहे हो, या फिर आप बेसिक अकेडमी या फिर किसी पर्पज़ से इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में इंग्लिश के लिए कर रहे हो, आपको ये ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स कवर करता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले इन सब का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हर टॉपिक को पर्टिकुलरली ओपन करके पूरा ब्रॉडली आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और हमेशा यूज़ करना आ जाए, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। अगर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और समझेंगे, तो आप इस टॉपिक को कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो देखो नाउन का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए नाउन को आपको क्या बोलना है। नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, फीलिंग हो, थिंग्स हो, कोई भी चीज़, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, एक बात याद रखना हमेशा, कोई भी नाम है तो नाउन है। अब नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, फीलिंग का, कोई भी थिंग एटसेट्रा। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखनी है, नाम है तो नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है आपका, कई बार क्या होता है हम किसी का नाम यूज़ नहीं करते, उसे किसी और वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो प्रोनाउन वो वर्ड होता है वो जो नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा माई नेम इज या फिर जीतू गोज विद हिज फ्रेंड्स। जीतू गोज विद हिज फ्रेंड, जीतू अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है। ठीक है, कहीं भी जाता है। फ्रेंड फॉर अ मूवी, फॉर अ मूवी। ठीक है, जीतू गोज विद हिज फ्रेंड फॉर अ मूवी, जीतू अपने दोस्तों के साथ मूवी ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा सेंटेंस, जीतू बाइज द टिकट्स, जीतू टिकट खरीदता है। अब देखो मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, कोई लाइन कह रहा हूँ, मैंने कहा जीतू गोज विद हिज फ्रेंड्स फॉर अ मूवी, जीतू अपने दोस्तों के साथ मूवी के लिए जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस में लिखा जीतू बाइज द टिकट्स, दो टिकट्स खरीदता है। अब देखो मैं किसी का नाम अगर बार बार बोलूंगा, अलग अलग सेंटेंस में नाम बोलूंगा, तो एक तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, दूसरा क्या है कि वो काफी बोरिंग हो जाता है। आप किसी का बार बार नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आनंद और सुमित मूवी के लिए गए, आनंद ने सुमित से मूवी के टिकट के पैसे लिए। ठीक है, अब बार बार दो नाम आते रहेंगे ना तो बोरिंग हो जाएगा, इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे जीतू गोज विद हिज फ्रेंड फॉर अ मूवी एंड ही
22,000 टिकट। अब देखो जीतू बोलो या वह बोलो, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, जीतू टिकट लेने गया मूवी के लिए और उसने टिकट खरीदी, ठीक है। तो देखो जीतू की जगह उन्होंने उसने यूज कर लिया, ही यूज कर लिया, तो इसमें कोई गलत नहीं है। एक ही बात है, आप बोलते हो कि उनका नाम रोहित है या फिर वह व्यक्ति रोहित है, तो देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, बट हमने किसी नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कोई डाउट? और आगे जब इन टॉपिक को मैं ओपनली एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब एक्शन, आपको पता ही है कि वर्ब या एक्शन किसे कहते हैं, किसी भी काम को करना वर्ब कहलाता है, नाउन सॉरी वर्ब कहलाता है, एक्शन कहलाता है, जैसे खाना पीना उठना सोना जागना, ठीक है, ईट कुक अवेक अराइज राइट रीड, कोई भी जो आप कुछ काम करो जहाँ पे एक्शन शो हो रहा है, किसी काम का होना शो हो रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं वर्ब। और वर्ब कई टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के, वो आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ लर्न करने से अच्छा है आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो ताकि जिंदगी भर याद रहे। आप रट्टा लगाते हो तो कुछ टाइम तो याद याद रहता है, बट आप समझ के सीखते हो, समझते हो पढ़ते हो तो आपको जिंदगी भर याद रहती चीजें वो, ठीक है। तो इन्हें हमें रट्टा ही लगाना है, इन्हें समझना है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपने सुना है विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर कह सकते हैं इनको मॉडिफाई करता है, इनको चेंज करता है। अब चेंज कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, शी इज अ गर्ल, ब्यूटिफुल गर्ल। अब मान लो मैं यहां से ब्यूटीफुल को हाइड कर देता हूं, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक है, वह एक लड़की है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहां पे कुछ चेंजेस नहीं है, बट मैं कहता हूं वह एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, वह लड़की तो है, वह एक लड़की तो है बट कैसी है, ब्यूटीफुल, तो देखो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, लड़की के बारे में, शी वह लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल, मॉडिफाई कर रहा है लड़की को, वह एक लड़की है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन कहते हैं वह एक ब्यूटीफुल लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, तो ये सेंटेंस मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या है, जहां पर नाउन और प्रोनाउन मॉडिफाई होते हैं उनका एक अलग मीनिंग निकल के सामने आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। वह गर्ल है, वह एक लड़की है, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस था, यहाँ पे कोई किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, हमें पता वह एक लड़की है, ठीक है, बट वह कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, वह लड़की तो है बट कैसी है, ब्यूटीफुल। तो इसने एडजेक्टिव ने किसके किसके बारे में बताया, नाउन के प्रोनाउन के बारे में, अगर यहाँ पे कोई नाम लिखते तो नाउन हो जाता, हमने शी लिखा है तो प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव ने बताया है कि लड़की कैसी है, सॉरी इस वर्ड ने बताया है एडजेक्टिव ने कि इसमें क्या मॉडिफाई हो रहा है, किसके किसको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोनाउन के बारे में, कि वह एक लड़की तो है बट कैसी है, ब्यूटीफुल, ठीक है। बाकी हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे अलग से टॉपिक पे तो आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एडवर्ब, अब देखो जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है, चेंज करता है किसको, एडवर्ब एक तो वर्ब को करता है, दूसरा एडजेक्टिव को करता है, तीसरा एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, ये खुद को ही मॉडिफाई करता है। कैसे समझते हैं, फर्स्ट समझते हैं वर्ब, वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, मैंने लिखा राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, ठीक है। अब यहां देखो राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, ये सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन राम कैसे दौड़ रहा है, तेज, राम दौड़ तो रहा है, यहां रन क्या है, रन मतलब वर्ब, यहां पे रन हमारी वर्ब है, ठीक है, तो राम दौड़ रहा है, राम दौड़ता है,
राम कैसे दौड़ता है? तेज, तो ये एडवर्ब है, समझाया? राम दौड़ता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन राम किस तरह से दौड़ता है? तेज, फास्ट, यहाँ पे एडवर्ब यूज हो गया। एडवर्ब मतलब जो फास्ट वर्ड ने रन को मॉडिफाई कर दिया, पहले सिंपल सेंटेंस था राम दौड़ता है, राम रन्स, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अब वो दौड़ अब भी दौड़ता तो अभी भी है, बट अब कैसे दौड़ता है? फास्ट, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तो फर्स्ट आपका ये है, ठीक है, इनको नोट कर लेना पॉज करके, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, राम रन्स फास्ट, ठीक है। ये तो हमने करा वर्ब को मॉडिफाई, अब करते हैं हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई। शी इज अ ब्यूटिफुल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब आप बोलोगे सर आपने तो वही नोट कर दिया एडजेक्टिव, इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें एडवर्ब कहाँ है? मैंने कहा शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक लड़की है। अब देखो ब्यूटिफुल आपका क्या था यहाँ पे, एडजेक्टिव मैंने बताया था आपको, और शी आपका क्या था, प्रोनाउन। तो मैंने बताया जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। बट जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। अब आपने बोला सर एडवर्ब तो कहीं आया नहीं यहाँ पे, अब आएगा, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, सॉरी शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो ब्यूटीफुल गर्ल तो है लेकिन वेरी, यहाँ पे एडवर्ब आ गया, समझ में आया? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल, ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे एडजेक्टिव और प्रोनाउन आ रहे हैं, बट ब्यूटीफुल तो एक, पर कितनी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो देखो सुंदर तो है बट कितनी ज्यादा, वेरी, तो वेरी इस एडवर्ब ने आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, पहले सिर्फ वो सुंदर थी अब वो ज्यादा सुंदर है, समझ में आ रहा डिफरेंस दोनों में, पहले वो सिर्फ ब्यूटीफुल थी लेकिन अब वो वेरी ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल को जो मॉडिफाई किया है वो किसने करा है, एडवर्ब ने। तो मेरी बात समझ आई आपको कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, और आप समझेंगे एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर देता है वर्ब, सॉरी एडवर्ब, ठीक है। तो देखो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को किसने मॉडिफाई करा, वेरी ने, वेरी मीन्स एडवर्ब, समझ में आया? इससे सेंटेंस को आप नोट कर लेना, मैं दूसरा सेंटेंस करता हूँ एडवर्ब के ऊपर। अब एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है एडवर्ब को खुद, अब देखो मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो मैंने आपको बताया था कि रन्स हमारी क्या है, वर्ब मतलब एक्शन, ठीक है, और फास्ट हमारा क्या था, एडवर्ब, मैंने बताया था इसने इसको मॉडिफाई कर दिया, वह दौड़ता है तो है बट कैसे दौड़ता है, तेज। तो आपने कहा, आप कह सकते हो सर आपने यहाँ पे सिर्फ वर्ब लिखा है और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे कहते हैं एडवर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब को एडवर्ब ने कहाँ मॉडिफाई किया है, एडवर्ब को एडवर्ब ने कहाँ मॉडिफाई करा है। तो देखो बेटा क्यों टेंशन लेते हो, अभी हो जाएगा वेरीफाई, मॉडिफाई, ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने को रन्स को जो मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब बोलते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब है, फास्ट मतलब एडवर्ब, वो फास्ट दौड़ता है पर कितना फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत तेज, तो ये क्या है, एडवर्ब। अब देखो फास्ट को मॉडिफाई कर दिया वेरी ने, तो फास्ट हमारा कहते हैं एडवर्ब और वेरी भी क्या है, एडवर्ब, तो एडवर्ब को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एडवर्ब होता है किस किस को मॉडिफाई कर सकता है, फर्स्ट जो हमने करा था वर्ब ही रन्स फास्ट, ठीक है, सेकंड हमने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, देखो ब्यूटीफुल तो है बट कितनी, वेरी ज्यादा, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव था और वेरी मतलब एडवर्ब, और यहाँ पे ही रन्स वेरी फास्ट, फास्ट हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब, और जो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है, वेरी, वह दौड़ता तो है बट कैसा, तेज, लेकिन कितना तेज, बहुत तेज, वह बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो आप कमेंट करें या मुझे मैसेज करके बताएं किस तरह डाउट आ रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जरा ऐसे तोड़ के समझते हैं, पोजिशन से पहले, मतलब
कुछ वर्ड्स जो आपकी पोजीशन बताए कि ये पोजीशन पे है, यहाँ पर इसकी ये इस चीज की ये पोजीशन है, या फिर टाइम बताए या प्लेस, टाइम प्लेस या पोजीशन का प्लेस बताए कि ये चीज यहाँ पर है, उसे कहते हैं प्री पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख देखते हैं कि हम बोलते हैं कि टेबल के ऊपर एप्पल रखा है, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। तो देखो एन एप्पल इज ऑन द टेबल, तो देखो एन एप्पल इज ऑन द टेबल। टेबल क्या हमारा नाउन, किसी चीज का नाम है, ठीक है। एप्पल कहां पर है, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो देखो जो ऑन वर्ड है ये पोजीशन बता रहा है एप्पल की, प्री पोजीशन। अब देखो एप्पल की पोजीशन किसके ऊपर है, टेबल। एप्पल किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर। तो एप्पल की जो पोजीशन बता रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्री पोजीशन ऑन, ठीक है। और मतलब एक एप्पल टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन आ गया। अब जैसे कई बार बोलते हैं कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। तो मेरी पोजीशन, मैं कहां पर हूँ, दिल्ली के अंदर। कौन बता रहा है, आई लिव इन दिल्ली, आई एन इन। तो इन हमारा क्या है, प्री पोजिशन। कई बार हम टाइम बोलते हैं कि जैसे आई विल बी देयर ऑन मंडे, मैं वहां पर मंडे को पहुंच जाऊंगा या मंडे को होऊंगा, ठीक है। तो ऑन, ऑन क्या बता रहा है, टाइम। तो प्लेस, टाइम और पोजिशन जो वर्ड्स बताते हैं उन्हें कहते हैं प्री पोजिशन, इज ऑन एट बाय, जो भी है यूज करेंगे हम। जब इसको ओपनली कराऊंगा, बड़ा करके कराऊंगा, अलग से टॉपिक कराऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये समझ लो कि जो पोजिशन बताता है, चाहे टाइम हो, प्लेस हो, कोई कुछ भी चीज हो जिसकी पोजिशन डिफाइन करता है, उसे कहते हैं प्री पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन क्या होता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे माई नेम इज जीतू, आई लिव इन डेली, माई नेम इज जीतू, आई लिव इन डेली। ये दो सेंटेंस है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के एंड लगा दूं, माई नेम इज जीतू एंड आई लिव इन दिल्ली, तो ये क्या हो जाता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, बट, बिकॉज, एंड, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स होते हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंटरजेक्शन, सडन इमोशन, सडन फीलिंग्स। जैसे कई बार हम अचानक से हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो हम कहते हैं आउच, या कुछ हमारे सामने दुखी घटना होती है हम कहते हैं अलास। या आप मान लो कि क्रिकेट खेल रहे हो, आप मैच मैच खेल रहे हो, आप जीतते हो तो बोलते हैं हुर्रे। या फिर आप ना किस आप किस चीजों का भी अच्छा फील करते हो, हैरान होते हो उस चीज को देख के, लेकिन अच्छी फीलिंग होती है, आप कहते हो वाओ, जो आपको सरप्राइज करता है, ठीक है। तो देखो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, सडन इमोशंस। तो जो वर्ड्स सडन इमोशंस शो करते हैं, अचानक से आपके अंदर फीलिंग निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल सेंटेंस में, डीप डीप में जाके। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज कराया आप उसको रिवाइज करोगे, और वीडियो पोस्ट करके इसे लर्न करोगे, नोट्स बनाओगे इसके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं जो एक एक टॉपिक उठा के, अभी मैंने आपको सारे टॉपिक से इंट्रो दिया है, सिर्फ आपको कुछ कराया नहीं है, सिर्फ बताया कि टॉपिक होते क्या है। अगली क्लास में मैं एक एक टॉपिक आपको डीप में कराऊंगा, जैसे नाउन क्या होता है इसका पूरा बता कराऊंगा आगे, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं इस टाइप से, और फिर प्रोनाउन क्या होता है, कितने क्या क्या प्रोनाउन होते हैं, वर्ब एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक आपको ओपनली कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको सारे टॉपिक याद करने, समझने, और जो कुछ समझ ना आए मुझे मैसेज करना या इंस्टा आईडी पे फॉलो करना, और आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 7503976722। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, JETUTANWARCA, जीतू तनवर सी। आप मुझे यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।